it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's a poem, it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's आपने मोबाइल में लिखा youtube.com या तो फिर youtube.com लिखा या तो फिर आपने कोई एप्लीकेशन भी आपने एंड्रॉयड की ओपन की और आपने इंटरनेट से कोई वीडियो सर्च किया, तो वो सर्च किया हुआ जो की लिखा आपने, जो शब्द लिखा है आपने, जो वर्ड लिखा है, वो डेटा है आपका, और वो डेटा आप यूट्यूब के सिस्टम के अंदर आप भेज रहे हो, तो वो डेटा किस तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर जाता है ये हमें पहला समझना होगा। ओके, तो ये OSI लेयर ही सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, तो OSI लेयर को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क के डिवाइसेस को। ओके, तो पहला जो नेटवर्क का डिवाइस है हम, तो जब पहले सिस्टम के अंदर हमारा नेटवर्क का डिवाइसेस आया वो हब आया, लेकिन हब से भी पहले बहुत सारे कुछ डिवाइसेस आए थे, लेकिन मैं हब को ही फर्स्ट नंबर पर रखता हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क का डिवाइस आजकल कम देखने को मिलता है ये हब। ओके, दूसरा है ब्रिज, तो वो ब्रिज किस तरह से काम करता है, किस तरह से सिस्टम को काम करता है, वो अगर मैं ब्रिज को पहले नंबर पर रखता हूँ तो आपको हब डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हब और ब्रिज में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। ओके, फिर तीसरा डिवाइसेस है अपन नेटवर्किंग केबल्स। सीधी बात है, मैंने जैसे ही कहा था कि नेटवर्क के अंदर केबल तो यूज हो गई ही यहाँ पर, कौन सी वायर कहाँ यूज होगी, कौन सी वायर होती है यहाँ पर, किन किन वायर का यहाँ पर क्या काम होता है यहाँ पर, कौन सी वायर का कितना कैपेसिटी होता है यहाँ पर, कौन सी वायर का सिस्टम कितना कैपेसिटी रखता है ट्रांसफर को डेटा करने के लिए, प्लस यहाँ पर चौथा मैं समझाऊंगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमारे कंप्यूटर के अंदर NIC सिस्टम होती है यहाँ पर, नेटवर्क जिसको NIC बोलते हैं यहाँ पर, यही मेन सिस्टम हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करती है। हमारे मोबाइल के अंदर ट्रांसमिशन होता, मोबाइल के अंदर जो हमारे सिग्नल्स आते हैं उसको रिसीव करने के लिए भी यहाँ पर सिग्नल रिसीवर होते हैं यहाँ पर, सिग्नल को भेजने के लिए भी वही काम करता है यहाँ पर। तो सिग्नल रिसीवर जो होते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, वही एंटीना हम कहते हैं उसको। ओके, तो जो हमारे मोबाइल के टावर से वो एंटीना क्या करता है, सिग्नल को हमारा मोबाइल रिसीव करता है, और कोई हमें सिग्नल भेजना हो, मतलब हमें हमें कोई फ़ोन करना हो, तो हमारा सिग्नल उस टावर के थ्रू, फिर कंपनी के थ्रू भी, कंपनी अपने सिस्टम के सिस्टम मैनेजमेंट के थ्रू आपके कंप्यूटर, उनके कंप्यूटर हो या उनका नेटवर्क हो, उनके नेटवर्क के थ्रू फिर आपका जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को आपने फ़ोन किया होगा वो वहाँ सिग्नल भेज देगा। ओके, तो यहाँ पर स्विच की बात करेंगे हम। ओके, तो स्विच क्या है, ये हब की तरह ही दिखती है यहाँ पर, लेकिन स्विच और हब में क्या फ़र्क है वो हम मैं दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है वो भी समझाऊंगा। ओके, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का क्या यूज़ होता है आजकल के अंदर, मॉडेम आजकल के सिस्टम के अंदर कम यूज़ होता है यहाँ पर, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये यूज़ होता ही है यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेट है, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो राउटर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। राउटर आजकल के जितने भी हमारा कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर हमारे 50% राउटर ही संभाल लेता है यहाँ पर, तो राउटर भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डिवाइसेस है। राउटर कितने टाइप के होते हैं, राउटर के अंदर कौन कौन से फंक्शनलिटी होती है, कौन कौन से मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है, और राउटर से क्या हमें बेनिफिट होता है, राउटर हम क्यों यूज़ करते हैं, और राउटर कौन कौन सा हमारा काम कर सकता है, ये भी हम सीखेंगे। आठवां डिवाइसेस आप देख सकते हो कि हमारा आठवां डिवाइसेस है मल्टी लेयर स्विच। तो मल्टी लेयर स्विचेस वो लेयर स्विचेस होती है जो एक स्विच के अंदर दो तरह के काम कर सकती है। ओके, मतलब हो एक ही लेकिन काम डबल करे, तो ये मल्टी लेयर स्विचेस होती है। यहाँ पर क्या काम करती है मल्टी लेयर स्विचेस, किस टाइप की होती है, उसका क्या यहाँ पर सिस्टम होता है, सभी का वीडियो में वन बाय वन सीरीज वन बनाऊंगा। ओके, फिर यहाँ पर सर्वर्स आते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि हमारे नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर सर्वर तो यूज़ होंगे ही, क्योंकि ये सर्वर सिस्टम ही हमारे सिस्टम को सर्व करती है, हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा अपने मोबाइल के अंदर, तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल का नंबर रजिस्टर होता है, तो वो किससे होता है, सर्वर के थ्रू ही होता है। हमारा मोबाइल का इंटरनेट ख़त्म हो गया
तो कैसे होता है सर्वर सिस्टम और उसका जो दूसरा सिस्टम होता है यहाँ पर डेटा सिस्टम होता है यहाँ पर, प्लस हमें यूट्यूब का वीडियो देखना होता है तो वो सर्वर ही होता है। तो कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं इसकी मैं पूरी सीरीज लेकर आऊँगा सर्वर की। ओके, सर्वर क्या होता है, सर्वर किस तरह से यूज़ करना होता है, सर्वर कितने टाइप के होते हैं, सर्वर के अंदर कौन कौन से सिस्टम होती है, इन सभी को मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो सर्वर्स की अलग सी में से सीरीज लेकर आऊँगा। लेकिन नेटवर्क के अंदर मैं सिर्फ 5 सर्वर पढ़ाऊँगा, DHCP सर्वर, DNS सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, VPN सर्वर और डेटाबेस सर्वर। ये 5 सर्वर तो सभी सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। छोटी से छोटी कंपनी भी इंटरनेट चला रही है और उसका सर्वर है तो ये तो सर्वर उसके पास होगी ही, ये 5 सर्वर तो रखेंगे ही वो सिस्टम। ओके, तो एक और भी सर्वर था बैकअप सर्वर, लेकिन वो बैकअप सर्वर को मैंने अभी इसलिए नहीं गिना क्योंकि वो भले ही नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है लेकिन वो एक डेटा के लिए काम होता है, इसलिए बैकअप सर्वर होता है। लेकिन मैं सिर्फ नेटवर्क के सर्वर की बात कर रहा हूँ। ओके, फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो बैकअप सर्वर की बात करता हूँ तो मैं सर्वर की सीरीज के अंदर उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, वायरलेस एक्सेस पॉइंट मैंने कहा था कि हमारा जो राउटर होता है तो राउटर के थ्रू हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं, वायरलेस सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से हमारे जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर, जैसे कि मैंने कहा था कि वायरलेस सिस्टम कौन कौन सी होती है, वायरलेस फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी होती है, हमारे मोबाइल जो टावर होते हैं वो कौन कौन से सिस्टम यूज़ करती है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मोबाइल हम यूज़ कर रहे हो तो कितनी रेंज में वो काम करेगा, वो नेटवर्क कितनी रेंज में काम करता है। यहाँ पर कोई हैकर है, कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला आदमी है तो वो कौन से सिस्टम को यूज़ करके हमारे मोबाइल हो या इंटरनेट हो या नेटवर्क हो या फिर हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क वो हैक कर सकता है या तो फिर रोक सकता है। तो ऐसे सिस्टम में हमें किसे बचना चाहिए, हमें किसे से रोकना चाहिए, ये भी मैं सिखाऊंगा इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के सिस्टम के अंदर, वायरलेस सिस्टम के अंदर। ओके, दूसरा एक और 11वां यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस है, फायरवॉल्स, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर्स और यहाँ पर फायरवॉल्स, ये दो ऐसे आज बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है बहुत बड़ी पूरी वर्ल्ड के इंटरनेट के सिस्टम के अंदर, कि कहीं पर भी किसी भी दूसरी कंपनी हो या फिर कोई भी हैकर हो वो डेटा चोरी करने के लिए या तो फिर उसको कोई भी इलीगल वर्क करने के लिए वो काम करेगा ही। तो ऐसे को रोकने के लिए ही यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी फायरवॉल्स लगती है यहाँ पर, और यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर भी यूज़ करती है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर और भी बहुत कुछ वो सिस्टम रखती है यहाँ पर सिक्योरिटी की, लेकिन मैं अभी ये दोनों को समझाऊंगा। ओके, फिर प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी बहुत यूजफुल होते हैं, प्रोटोकॉल क्रिएटर भी होते हैं। तो मैं प्रोटोकॉल के कन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं यहाँ पर वो भी समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, फिर मैं समझाऊंगा लाइन ड्राइवर्स एंड रिपीटर्स वगैरह। तो ये लाइन ड्राइवर्स क्या होते हैं, और रिपीटर तो बहुत ही आजकल पुराना भी होगा क्योंकि सब रिपीटर्स जो होते हैं वो राउटर या स्विच के अंदर और हमारे मल्टी लेयर स्विच के अंदर पहले से ऐड होते हैं यहाँ पर। लेकिन लाइन ड्राइवर क्या होते हैं वो भी समझाऊंगा कि लाइन ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, प्लस यहाँ पर ब्रिज राउटर होते हैं यहाँ पर, तो ब्रिज राउटर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, ब्रिज राउटर किस तरह से सेटअप किया जाता है और कितने टाइप के होते हैं वो भी समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लेक्सर्स भी समझाऊंगा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कौन सा डिवाइसेस सिस्टम के अंदर ये काम करता है यहाँ पर, और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स होते हैं यहाँ पर जिसको NIC बोलते हैं यहाँ पर। ओके, शॉर्ट में तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर दोनों में फ़र्क है यहाँ पर। ओके, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स एंड राउटर्स, तो कुछ वायरलेस नेटवर्क के सिस्टम भी होते हैं यहाँ पर, वायरलेस कार्ड भी होते हैं यहाँ पर, वायरलेस राउटर भी होते हैं, तो वायरलेस सिस्टम की भी मैं जानकारी दूंगा यहाँ पर। ओके, फिर ISDN टर्मिनल एडेप्टर्स एंड अदर रिलेटेड हार्डवेयर। तो ISDN क्या होता है, ISDN एक कंपनी का एक टर्मिनल सिस्टम एडेप्टर है यहाँ पर, साथ ही साथ
दूसरी और भी यहाँ पर रिलेटेड उसके जो नेटवर्क के हार्डवेयर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कोई सिंपल या नेटवर्क सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो काम करता है वो ISDN टर्मिनल के थ्रू काम करता है। प्लस यहाँ पर जो भी हम कंप्यूटर के अंदर जो भी हम मैन्युअली हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सेशन लैब में परफॉर्म करेंगे, ओके, कि वो सिस्को वीडियो के अंदर कि एक कंपनी का एक ये हमारा सिग्नल दूसरे कंपनी के सिग्नल के अंदर या फिर दूसरे कंट्री के अंदर हमें पहुंचाना होता है या फिर हमें सेटअप करना होता है यहाँ पर कोई भी इंटरनेट के थ्रू, तो कैसे करें। प्लस यहाँ पर जितने भी हमारे यूज़र हमारे कंपनी पर आए या तो फिर हमारे हमारा नेटवर्क के अंदर किस तरह से वो हैंडल करता है हमारा नेटवर्क इंटरनेट, वो भी हम सीखेंगे। और यहाँ पर कितने भी यूज़र हो उनकी आइडेंटिटी, उनका सिक्योरिटी, प्लस उनके ऊपर जो निगरानी रखना होता है यहाँ पर उसको लोकेशन वगैरह जितने भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है, साथ ही हमारी कंपनी की और कंपनी हो या फिर कोई भी छोटा सा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी आपका नेटवर्क हो किस तरह से सेफ रखना है, क्योंकि इन सभी पब्लिक में से कोई भी कितने भी हैकर हो सकते हैं, क्रैकर्स हो सकते हैं यहाँ पर, ओके। हमें सीखेंगे कि नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में, तो नेटवर्क और इंटरनेट किस तरह से होता है यहाँ पर और इन दोनों में थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है यहाँ पर, ओके। तो नेटवर्क और इंटरनेट किस तरह से वर्क होता है यहाँ पर, ओके, और डेटा किस तरह से हमारे जो अंदर एंटर होते हैं इंटरनेट के अंदर या तो फिर इंटरनेट से हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क हो या हमारा मोबाइल का नेटवर्क हो, कैसे हमारा नेटवर्क के अंदर डेटा आते हैं, मैं नेटवर्क के इंटरनेट के अंदर भी आपको समझाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, तो मोटिवेशन मुझे मिलेगा। आपको अच्छी लगी वीडियो तो क्वेश्चन टाइम आज मैं पूछने जा रहा हूँ यहाँ पर कि डिवाइस का काम क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस का क्या काम होता है। तो एक दिन के अंदर आप ये क्वेश्चन का आंसर राइट करके मुझे भेजिए और यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में आपको और जानकारी भी दूंगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो YouTube का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप YouTube चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप YouTube चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारी प्ले लिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्ले लिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।